हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके उस डाउट को जो कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं घूम रहा है, जो कि ग्रेजुएशन में है, चाहे फिर आप बीए में हो, बीएससी में हो या बीकॉम में हो। तो देखिएगा, आप सभी को पता है कि पहले जो बीएससी होती थी वो 3 ईयर्स की होती थी, अब भी 3 ईयर्स की होती है, लेकिन पहले जो आपके एग्जाम होते थे वो ओनली 3 बार होते थे, एक बार फर्स्ट ईयर के एंड में, एक बार सेकंड ईयर के एंड में और एक बार थर्ड ईयर के एंड में। लेकिन अब एनईपी के अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके टोटल 6 टाइम्स एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि बीएससी जो है वो चाहे बीएससी है, बीए है या बीकॉम है, वो अब आपकी सेमेस्टर वाइज हो गई है। यानी कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फिर ऐसे ही सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। यानी कि टोटल बात करें तो 6 सेमेस्टर्स में जाकर के आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होती है। तो इसमें से 4th सेमेस्टर तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4th सेमेस्टर तक मेथड सारा सेम ही है। कैसे सेम है? क्योंकि आपको पता है 3 आपको मेजर सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, 1 माइनर कोर्स चूज करना होता है, 1 को करिकुलर कोर्स होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, और 1 स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होता है। लेकिन 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 बात आती है किसकी? 5th सेमेस्टर की, क्योंकि 5th सेमेस्टर में हो जाते हैं जी चेंज, और 5th और 6th सेमेस्टर दोनों आपके एक जैसे ही होंगे। कैसे? देखेगा, इसमें चेंजेस जो हुए हैं वो ये हुए हैं बच्चा कि पहले आपको क्या करना पड़ता था, अपने माइनर कोर्स पे भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए थी, 3 जो मेजर सब्जेक्ट थे उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना होता था, स्किल डेवलपमेंट वाला जो कोर्स था वो भी आपको पढ़ना होता था, और को करिकुलर कोर्स था उसको आपको पास होने के लिए पढ़ना होता था। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट ये है कि 5th सेमेस्टर में बताया जा रहा है कि मेजर सब्जेक्ट आपको ओनली 2 चूज करने हैं, तो क्या ये सही है? हां जी, बिल्कुल सही बात है दी। क्या 4 बुक्स होंगी एक सब्जेक्ट की? ये बात भी बिल्कुल सही है। कैसे है वो कंप्लीट आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया और आपको कहीं ना कहीं डाउट है, तो इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट के माइंड में कोई भी डाउट ना आए कि फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इनमें कैसे कैसे कौन कौन से कोर्स आपको चूज करने, और फिर 5th और 6th सेमेस्टर की बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से आपको जो सब्जेक्ट चूज करने हैं वो कैसे कैसे चूज करने हैं। किसी स्टूडेंट की कमेंट आए थी केमिस्ट्री है या नहीं है, दी हमने सुना है मैथ्स नहीं है, दी हमने सुना है फिजिक्स नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल होंगे। चूज आपको करना होगा कि आप कौन से 2 सब्जेक्ट चूज करते हो, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईयर्स की, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि डिवाइडेशन आपका हो चुका है। जैसे कि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे फर्स्ट और सेकंड, सेम ऐसे सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे थर्ड और फोर्थ, और जो थर्ड ईयर होगा उसमें भी 2 सेमेस्टर होंगे 5th और 6th। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो देखिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने मैंने पीडीएफ भी डाल दी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट चूज करने होंगे आपको। 3 मेजर सब्जेक्ट चूज करने होंगे, 1 सब्जेक्ट का क्रेडिट मिलेगा आपको 6, तो 3 सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट हो गए? 18 क्रेडिट्स हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 1 स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, जिसके आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे? 3 क्रेडिट्स मिलेंगे। इसके बाद में आता है को करिकुलर कोर्स, जो कि आपका क्वालिफाइंग होगा। एक आता है माइनर कोर्स, इफ नॉट टू बी ऑप्टेड इन सेकंड सेमेस्टर। ध्यान रखना कि माइनर कोर्स जो आप लोगे उसको आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं ले सकते, और इसके कितने क्रेडिट्स मिलेंगे आपको? 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने क्रेडिट्स होंगे? 21 या 25 तक आपके क्रेडिट्स पहुंचेंगे। तो उसके बाद में बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की भी। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका सेम होगा, कितने? 3 मेजर सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज किया ऑब्वियसली आप उनको ही करोगे। 1 माइनर कोर्स होगा, 1 स्किल डेवलपमेंट का होगा, और 1 को करिकुलर कोर्स होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में भी सेम यही स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, 3 आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे, 1 को करिकुलर कोर्स होगा, 1 स्किल डेवलपमेंट होगा और 1 माइनर कोर्स होगा, इसमें भी आपके इतने ही क्रेडिट्स बैठेंगे। इसके बाद में बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम यही प्रोसेस होगा। एक डाउट जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है वो मैं यही क्लियर कर देती हूँ कि बच्चा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इवन सेमेस्टर में होंगे तो इवन सेमेस्टर से जब भी आप
सॉरी जब भी आप और सेमेस्टर में होंगे तो और से जब भी आप इवन सेमेस्टर में जाओगे तो उस कंडीशन में आप ऑलवेज प्रमोट किए जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो और सेमेस्टर है आपका, तो उससे जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे यानी कि इवन सेमेस्टर में जाओगे तो आप हमेशा प्रमोट किए जाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे आप पास हो या फेल हो, सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमेशा आप प्रमोट ही किए जाओगे। दूसरी बात क्या है, जब आपके दो सेमेस्टर हो जाएंगे तो एक ईयर कंप्लीट हो गया, इसके बाद में जब आप नेक्स्ट ईयर में आओगे यानी कि सेकंड ईयर में आओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के क्रेडिट्स हैं उनके बेसिस पे आप सेकंड सेमेस्टर में सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। वो क्या है उसकी बिल्कुल डिटेल में अलग से वो है, उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है कि कितने क्रेडिट्स किस में नीड होती है, तो एक बार उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर वे में है। उसके बाद में सेम ऐसे आपके सेकंड ईयर में कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे सेकंड ईयर की, तो उस कंडीशन में थर्ड सेमेस्टर से जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आप प्रमोट किए जाओगे, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के बाद में जब आपके थर्ड ईयर आएगा तो उस कंडीशन में आपके क्रेडिट्स डिपेंड करेंगे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आप पास हो या फेल हो, आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, नई एडमिशन ले सकते हो नहीं, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। एक बात और बच्चा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका बैक का एग्जाम होगा, बैक का एग्जाम इवन का इवन सेमेस्टर के साथ में होगा और ओड का ओड सेमेस्टर के साथ में होगा, यानी कि जब भी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में इन केस आपकी बैक आ जाती है तो उस बैक का एग्जाम आप किसके साथ में दोगे, थर्ड सेमेस्टर के साथ में दोगे, थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ में दोगे। सेम ऐसे अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो आप फोर्थ सेमेस्टर में दोगे, फोर्थ में बैक है तो आप सिक्स्थ में दोगे, इवन का इवन के साथ और ओड का ओड के साथ आपका बैक पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, तो अब ध्यान से समझिएगा, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में दोनों में सेम एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी, तो एक के लिए ही बता रही हूँ। देखिएगा बच्चा, फिफ्थ सेमेस्टर में पहले देखो पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है कि मेजर वन एंड टू, टू पेपर ईच, क्रेडिट्स होंगे 20, एक रिसर्च प्रोजेक्ट, एक को करिकुलर कोर्स, यानी कि टोटल मिलाकर के 20 क्रेडिट्स। अब इस बात को समझिएगा कि कहा क्या गया है, आपने देखा होगा कि जो आपके स्टार्टिंग के फोर सेमेस्टर्स होंगे उसमें क्या होता है बच्चा, जैसे कि आपके तीन मेजर सब्जेक्ट होते हैं तो एक सब्जेक्ट की आपकी कितनी बुक्स होती हैं, दो बुक्स होती हैं, यानी कि फिजिक्स की बात करें फिजिक्स की दो बुक्स होंगी, फिर मैथ्स की बात करें मैथ्स की दो बुक होगी किसी भी एक सेमेस्टर में, और केमिस्ट्री की भी कितनी बुक्स होती हैं, दो बुक्स होती हैं। हालांकि जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी है इसमें केमिस्ट्री की कितनी है, एक बुक है, लेकिन डिपेंड किस बात पे करता है, देखो जो फिजिक्स है उसमें भी टोटल 8 यूनिट्स पढ़नी होती थी आपको, केमिस्ट्री में भी 8 पढ़नी होती थी और मैथ्स में भी 8 पढ़नी होती थी। अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, जो पब्लिकेशन की बुक्स आती है किसी किसी पब्लिकेशन में 8 यूनिट्स एक ही बुक में होती हैं, तो इसलिए एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक मैथ की बुक बन जाती है। लेकिन किसी किसी पब्लिकेशन में क्या होता है कि जो आपकी बुक्स हैं वो आपकी 4 यूनिट एक बुक की और 4 यूनिट एक बुक की, तो दो अलग अलग बुक आपकी पब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पब्लिकेशन के ले रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। बाकी यूनिट की बात करें तो आपको हर एक सब्जेक्ट में से, कि तीन मेजर सब्जेक्ट थे तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 8 यूनिट पढ़नी होती थी। लेकिन अब बात करते हैं बच्चा फिफ्थ सेमेस्टर की, फिफ्थ सेमेस्टर में क्या होगा, आपको ओनली दो मेजर सब्जेक्ट चूज करने होंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप फिजिक्स और मैथ कर लो, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लो, आप केमिस्ट्री और मैथ कर लो, जो भी आपका मन करे, ठीक है, कोई भी दो मेजर सब्जेक्ट आप चूज करोगे। अब होगा क्या, पहले आपका क्या होता था, एक सब्जेक्ट का एक पेपर होता था, यानी कि फिजिक्स है तो फिजिक्स का एक पेपर हो गया, दो बुक्स थी दो बुक्स का मिला करके एक पेपर होता था, तो यानी 8 यूनिट का एक पेपर। अब क्या होगा कि जब आपके दो मेजर सब्जेक्ट होंगे ना बच्चा, तो उनमें क्या होगा कि मान लिया एक आपने फिजिक्स ले लिया, एक आपने मैथ्स ले लिया, ठीक है, मैं दो सब्जेक्ट लेकर के चल रही हूं, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि फिजिक्स है आपकी, तो फिजिक्स में भी आपको टोटल 16 यूनिट्स पढ़नी होंगी, सेम ऐसे ही मैथ्स में भी आपको टोटल 16 यूनिट्स पढ़नी होंगी। यानी कि पहले जब आप जितने भी सेमेस्टर्स आपने पढ़ ली उनमें आप 8 यूनिट्स पढ़ते आ रहे थे, अब आपको 16 यूनिट्स पढ़नी होंगी मैथ्स में भी फिजिक्स में भी, जिन भी दो सब्जेक्ट को आप मेजर सब्जेक्ट की फॉर्म में ले रहे हैं। अब उसमें होगा क्या कि मान लीजिए जैसे कि आपकी एक बुक है, एक बुक हो गई, अगर हम मैथ्स की ही बात करें, जैसे कि एक बुक हो गई आपकी, उसमें दो टॉपिक्स हैं, दो पार्ट्स होंगे, रिंग थ्योरी गेम थ्योरी, तो आपकी जो बुक्स होंगी, अब ये बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों पार्ट एक ही बुक में दे रहा है, रिंग थ्योरी और गेम थ्योरी दोनों एक ही बुक में दे दी, तो उस कंडीशन में कितनी बुक हुई, एक, और इस एक बुक का
एक पेपर होगा। फिर ऐसे ही इसी में दो और सब्जेक्ट होंगे आपके, यानी कि मैथ्स के अंदर ही एक बुक तो ये हो गई रिंग थ्योरी गेम थ्योरी की, सेम इसी टाइप से दो टॉपिक्स और होंगे। अब उन दो टॉपिक्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको अलग अलग बुक में मिल रहे हैं, एक ही बुक में इंक्लूड होकर के मिल रहे हैं, और उन दोनों के ऊपर आपको एक पेपर मिलेगा, यानी कि 8 यूनिट्स का एक पेपर होगा और 8 यूनिट्स का एक पेपर होगा। अब ये बुक्स पे डिपेंड करता है, अगर आपकी अलग अलग बुक आई चारों पार्ट की तो कितनी होंगी, 4 बुक आपकी फिजिक्स की हो जाएंगी, 4 बुक्स ही आपकी मैथ्स की हो जाएंगी। बट इन केस अगर क्या हुआ कि दो को एक साथ इंक्लूड कर दिया और दो को एक साथ, यानी कि 8 यूनिट एक बुक में दे दी, 1 यूनिट एक बुक में दे दी, तो उस कंडीशन में 2 बुक्स आएंगी। ठीक है, तो ये होगी किसकी बात, बुक्स की। तो 4 बुक्स तो एक हो जाएंगी और 4 बुक्स एक सब्जेक्ट की हो जाएंगी। वैसे देखा जाए तो 2 बुक एक सब्जेक्ट की और 2 बुक एक सब्जेक्ट की हो जाएंगी। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो 16 यूनिट्स आपको एक में पढ़नी होंगी और 16 यूनिट्स एक बुक में पढ़नी होंगी। उसके बाद में जो पेपर होगा वो मैंने आपको बता दिया, एक बुक का एक पेपर होगा, एक बुक का एक पेपर होगा, यानी कि 68 यूनिट्स का एक पेपर होगा, 8 का एक, फिर 8 का सेकंड, जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स का 8 का एक पेपर हो गया और दूसरी बुक का एक पेपर हो गया। तो टोटल मेजर सब्जेक्ट के ही आपके कितने पेपर हो जाएंगे, 4 पेपर होंगे। एक पेपर के लिए जो क्रेडिट मिलेगा वो आपको मिलेगा 5, तो 5 4 से कितने हो गए 20, यानी कि टोटल क्रेडिट्स की बात करें तो ये कितने होंगे 20 होंगे। एक इसमें होगा बच्चा रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट जो होगा वो भी आपका क्वालिफाइंग होगा। जो इसमें को करिकुलर कोर्स होगा वो भी कैसा होगा, क्वालिफाइंग होगा, यानी कि आपको जो टोटल फोकस रखना है वो किस पे रखना है, अपने मेजर सब्जेक्ट्स पे रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जो बुक्स हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जब भी आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उस कंडीशन में आपसे चॉइसेस पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा बच्चा, आपसे चॉइस मतलब वहां पे पूछी जाएंगी जहां पे भी आप फॉर्म फिलअप कराओगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स में मैंने आपको एक पोर्शन बता दिया कि एक तो क्या होगी आपकी बुक रिंग थ्योरी और गेम थ्योरी का होगा, तो इसकी तो 8 यूनिट्स अलग हो जाएंगी, तो एक बुक हो गई। दूसरी बुक की अगर बात करें, दूसरे पेपर की, यानी जो सेकंड पेपर होगा, उसमें आपके 3-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन में 2, एक ऑप्शन में 2, एक ऑप्शन में 2। अब तीनों में से आपको कोई एक चूज करना होगा कि आप किसको पढ़ना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको फिर अपना फॉर्म फिलअप करना है। प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर अलग से डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे कैसे होगा। 6 सेमेस्टर का भी आप देख सकते हो, सेम इसी टाइप से शेड्यूल रहेगा। 6 सेमेस्टर में भी आपको क्या करने होंगे, 2 मेजर सब्जेक्ट अपने चूज करने होंगे, उसमें भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा और एक आपका को करिकुलर कोर्स होगा। ठीक है, तो जो आपको बता दिया है आई होप समझ में आ गया होगा अलग अलग सब्जेक्ट के, कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कितने कितने सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं और कितने सब्जेक्ट में से आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी डिटेल में, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है, जिनको भी एडमिशन लेना है, उनके माइंड से ये डाउट दूर हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हुए और आपने वीडियो यहां तक देख ली है, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा यहीं पे इसी वाले चैनल पे। तो आगे की वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।